Hey guys, welcome back to my channel and in this video we will discuss guest paper of MEG 7 जो कि आपका एक demanding video थी। बार बार comment कर रहे हैं कि आप इसका guest paper provide कीजिए। तो yes, exam से पहले बिल्कुल exam जैसा question paper आपके सामने है और इसी तरीके से जो आपके exam का format है वो रहने वाला है। तो इसमें ऊपर से देखेंगे MEG 7 जिसका नाम है English Literature। टाइमिंग आपको 3 आवर्स ही मिलेंगे एग्ज़ाम में भी और यहाँ पे भी। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100 मार्क्स। नोट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, नोट क्या दिया हुआ है यहाँ पे। आंसर ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ऑल क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जो इन्होंने डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग ऑल क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि शुरू हो गए और अब आखिरी तक आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इस पेपर में ऑप्शन होते हैं तो उन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है कि कौन से पार्ट में कितने ऑप्शंस को कैरी अप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ANI 4। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया ग्रीन कलर से ANI 4 की आपको RTC रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, मतलब कि पोइट्री की लाइन और उसको आपको फाइंड आउट करना है, कोई 4 करनी है आपको। यहाँ पे पहला दीजिए, पहला कितने का है द न्यू पोइट विच कोटेड ओल्ड पोइट्स। पहले ये है, उसके बाद नेक्स्ट है द लैंग्वेज इज अ ट्री लूजेस कलर अंडर द स्काई। नेक्स्ट है पोइट्री नंबर सी दी हुई है व्हेन फाइनली वी रीच द प्लेस। 4th डी है डिप्रेस्ड एंड वेयरी। और 5th नंबर पे दिया है द फ्लोरा गेव द लोटस। लाइक मैंने यहाँ पे 5 पोइट्री की लाइन मेंशन की है, लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा 6 या 7 मिलेंगी एंड आउट ऑफ 6 और 7 यू हैव टू अटेम्प्ट ANI 4, राइट। अब ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। अब बात करते हैं उनकी कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कितने पेजेस में लिखेंगे। तो 5 क्वेश्चंस करना है। एग्जांपल के लिए मान लो कि आपकी 25 पेजेस की सीट आएगी, तो 25 पेजेस की शीट आती है तो सारे आंसर 5-5 पेजेस में करना है। ये जितनी पोइट्री की लाइन हमने अभी डिस्कस की ये सारा आंसर नंबर 1 के अंदर इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये कि आंसर नंबर 1 आपको 5 पेजेस में लिखना है। इट मीन्स व्हाट कि 4 पोइट्री की लाइन को, 4 RTC को आपको 5 पेजेस के अंदर लिखना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बार बार आपके ये कमेंट्स आते हैं कितने पेजेस में लिखना है, समझ में आ गया। दूसरी बात, कैसे लिखना है, कोई भी पोइट्री की लाइन लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे पहले पैराग्राफ में नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट, और दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे। यहीं से आपको मार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उसको इलाबोरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट पोइट्री को देखूं तो यहाँ पे लोटस और रोज़ की बात हुई है, तो आप याद कीजिए कौन सी पोइट्री थी जहाँ पर लोटस और रोज़ की बात हुई थी, उसका नाम लिखिए, उसके बाद उस इन लाइन्स को इलाबोरेट कीजिए, ठीक है। तो और इन लाइन को इलाबोरेट करने के बाद लास्ट में आप क्या लिखेंगे, जो भी आपके आपको इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस आते हैं तो उन चीज़ को आप मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हर एक जो RTC है वो आपकी 3 पैराग्राफ में डिवाइड होगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला तो स्टार्टिंग में नोट में बोल दिया कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, लेकिन कंपलसरी किस चीज़ पे है वो देखिए आप। डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल अनटचेबल, और इसके साथ ऑप्शन लिखा हुआ है, और मैंने ऑप्शन साइड में लिखा है, एग्जाम में यही ऑप्शन आपको नीचे लिखा आएगा, राइट। तो या तो साइड में आएगा या तो नीचे आएगा, तो ध्यान से पढ़ना है। तो ए और बी दिया है, मैंने मार्क करके नंबर 1 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। या तो आप टाइटल अनटचेबल को जस्टिफाई करेंगे या फिर नेचर ऑफ गांधी इन्फ्लुएंस इन इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, कि जो नॉन फिक्शन वर्क था गांधी जी का उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए ए और बी यहाँ पे दो तरफ से मैंने करके एक लिखा हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना ही रहेगा कि यहाँ के गेस्ट पेपर और एग्ज़ाम पेपर में, कि जैसे मैंने यहाँ ऐसे एरोज करके 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे बीच में और दे देंगे आपको, ठीक है, ऑप्शन बीच में डाल देंगे। मैंने यहाँ पे ऑप्शन की जगह ऐसे एरो लगा के 1 लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हों। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, अनिता देसाई का दिया है पॉलिटिकल, किस तरीके से वो पॉलिटिकल और पर्सनल को प्रेजेंट करती है, कौन सी नोवेल, क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो कि लिखी किसने है, अनिता देसाई ने। इसके ऑप्शन में क्या क्वेश्चन है, डिस्कस विक्रम सेत और अमिताभ घोष एज अ ट्रैवल राइटर।
क्योंकि दोनों ने क्या किया है, अपने राइटिंग को ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन पे लिखा है। बहुत सारे उन्होंने एक जितनी स्टोरीज लिखी हैं वो ट्रैवलिंग को लेकर लिखी गई हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्टोरीज। तो ये प्रूफ करना है, और कैसे प्रूफ करेंगे आप, किसी स्टोरी का एग्जाम्पल देके। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है व्हाट आर द वेरियस थीम्स दैट रशदी डील्स विद इन अ मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन कौन सी थीम्स थी उसकी, जो आपकी नोवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन उसके अंदर, और इसके साथ कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में है। डिस्कस द थीम्स एंड टेक्निक ऑफ दत्तानी इंतारा। अब यहाँ पे कंप्लीट नेम नहीं दिया राइटर का, महेश दत्तानी की जगह सिर्फ दत्तानी दिया है। सो यू हैव टू नो अबाउट दैट तारा इज रिटन बाय महेश दत्तानी जी, और उन्होंने इसके अंदर कौन से थीम्स और टेक्निक्स की बात की है। थीम्स और टेक्निक का क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए थीम्स और टेक्निक के क्वेश्चन पे मैंने काम किया हुआ है। आप जाएंगे चैनल के उसमें सर्च करेंगे थीम्स एंड टेक्निक्स ऑफ तारा बाय सक्सेस मेकर, देन यू विल गेट द वीडियो, कंप्लीट आंसर की आपको वीडियो मिल जाएगी। जो मेन पॉइंट्स है उसमें लिखे हुए हैं, इलैबोरेशन आप खुद कर सकते हैं, यू ऑल आर मास्टर स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोलता है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर चॉइस। ये देखिए क्वेश्चन इस तरीके से मैंने पूछा है, और ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा शॉर्ट स्टोरी दे के ही पूछेगा, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि किसी भी एक शॉर्ट स्टोरी के रेफरेंस में अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। क्या कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो किसी भी स्टोरी को आपको पता है शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है, रियल इवेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, कनेक्टिविटी होती है, जो रेज इश्यूज को रेज करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, फैमिली इश्यूज हो, पैट्रियार्कल सोसाइटी को कहीं कहीं दिखाया गया है लाइक। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बाइंड अप करेंगे, लिखेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर फाइव के ऑप्शन की। फाइव का ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट ऑन द थीम ऑफ द ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन, और इसमें से भी कोई एक आपको करना है। तो इस तरीके से इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस को असेंबल किया है और ये आपके लिए प्रिपेयर किया है, ये आपका एज अ गेस्ट पेपर है। अब ये तो बात हुई पेपर की, अगर पॉसिबल होगा तो शाम तक मैं आपको एक और गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दूंगी, और आप अपने गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं कि आपको पेपर में अटेम्प्टिंग कैसे करनी है। लाइक अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आता है कि थीम्स क्या है, सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, आपको नहीं पता व्हाट आर द टेक्निक्स एंड थीम्स ऑफ ताराप्ली, और आपको एग्जाम में तो करना है एज आई टोल्ड यू अर्लियर, और ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं आता, आप ऐसी सिचुएशन में कि जो ऑप्शन में क्वेश्चन है वो भी आपको नहीं आता, और आपको ये भी नहीं पता कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है तारा की थीम्स और टेक्निक्स का वो भी आपको नहीं पता, देन व्हाट टू डू, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। अब बात सिर्फ इसकी आती है, मैं सिर्फ एक आंसर की बता रही हूँ, ये हर एक आंसर पे इम्प्लीमेंट होती है चीज़। मैंने आपको पहले भी बोला है कि सबसे पहले आप चाहे कोई प्ले है, चाहे शॉर्ट स्टोरी है, चाहे नोवेल है, चाहे फिक्शन वर्क है, सबसे पहले उसकी समरी को अपने मायने में रखो। एक नोवेल की समरी को पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 घंटा, और वीडियो देखने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट। 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी नोवेल की समरी हार्डली होती है। आप उसे 2 बार सुन लो, अगर आप वीडियो से कर रहे हैं तो 2-3 बार सुन लो, वो स्टोरी आपके माइंड में चलने लगेगी। मतलब आधा घंटा आपने स्टोरी सुन ली किसी भी नोवेल की, शॉर्ट स्टोरी की, अब आपको पता है कि उसके अंदर चीज़ें क्या क्या हुई हैं, उसकी मेन स्टोरी क्या है, उसका मेन प्लॉट क्या है। नेक्स्ट चीज़ क्या करना है आपको, करेक्टर्स के नाम याद रखने हैं, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो नोवेल हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, आपको करेक्टर्स के नेम याद होने चाहिए। अगर आपको ये 2 चीज़ें आती है ना, समरी और करेक्टर्स के नेम, तो भी आप बाकी स्टूडेंट से 1 कदम ज़्यादा ही मार्क्स लेंगे, 1 कदम आगे रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए अब कोई भी क्वेश्चन आता है, लाइक मैंने तारा का एग्जांपल दिया, तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं आता तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाएंगे, अपना सॉलिड इंट्रोडक्शन बनाएंगे, राइटर के बारे में लिखेंगे, तारा प्ले के बारे में लिखेंगे, शॉर्टली बताएंगे कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस, रोल्स और डोमेस्टिक वर्क, गर्ल्स एंड बॉयज़ डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे बिल्कुल शॉर्टली हाफ पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद आप लिखेंगे करेक्टर्स के बारे में, नेम ऑफ द करेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्ले, जैसे तारा की बात हो रही है, नेम ऑफ द करेक्टर्स, या फिर तारा प्लेज करेक्टर, तो उसके नीचे करेक्टर्स के नाम लिख दीजिए, उनकी मदर का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, भाई का नाम क्या था, उनका नाम क्या है, प्रोटोगोनिस्ट कौन है, ये सब चीज़ें मेंशन कर दी, आपका एक पेज फिल हो गया। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, अब आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द समरी।
आपको जितनी समरी आपने पढ़ी थी उसको एक्सप्लेन करना है। कब तक एक्सप्लेन करना है? जैसे कि अगर जो लास्ट पेज होता है, पेजेस का डिवीजन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर 25 पेजेस की शीट आती है तो 5 पेज का एक आंसर लिखना है। तो जब आप 4 पेज लिख चुके होंगे इन सब चीज़ों में, तो आप जब 5th पेज पे आएंगे तो अपने आंसर को हमेशा आधे से ज़्यादा पेज पे ख़त्म कीजिए। मतलब सपोज़ आपने 4 पेजेस तो पूरे लिख लिए, अब जब आप 5वां पेज लिख रहे हैं तो नीचे से 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यहाँ पे आंसर ख़त्म हो गया और उसे मार्क्स देने हैं। व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू, कभी कभी होता है जब लास्ट लाइन तक लिखते रहते हैं, पेज की लास्ट लाइन तक आंसर लिखते रहते हैं, तो एग्जामिनर दूसरे आंसर पे आ जाता है, पढ़ने लग जाता है और उसके माइंड से स्किप भी हो जाता है। कभी कभी 1-2% ऐसी चीज़ें होती हैं, और उसमें ऐसा नहीं है, ये साइकोलॉजिकली आप सोचो, एक एग्जामिनर बैठ के हर एक पेपर में यही चीज़ें चेक कर रहा है तो उसको याद ही नहीं रहता है कि पिछले क्वेश्चन में ये नोट पढ़ा था या अभी पढ़ा था। 1-2% केसेस में मैं बता रही हूँ ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट मूव करना है। आपको मार्क्स चाहिए, आपने मेहनत किया है, तो हमेशा अपने आंसर को पेज ख़त्म होने से, जो आपका लास्ट पेज है, पेज ख़त्म होने से 4-5 लाइन पहले ख़त्म कर दो, ताकि एग्जामिनर का माइंडसेट हो जाए कि हाँ यहाँ पे आंसर ख़त्म हो गया और उसे वहाँ पे आपको मार्क्स देना है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा था, उन्होंने अपनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था लेकिन उनके मार्क्स नहीं आए, तो यही रीज़न है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंटेंट। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।